नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। गांदरबल में बचाव कार्यों में सैनिकों द्वारा अर्जित कौशल को बढ़ाने के लिए हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल ने इस संसाधन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों और सैनिकों को पीजी यूजी और सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU माउंटेन क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट, बचाव संचालन और आपदा प्रबंधन में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक और तकनीकी विकास के लिए HAWAS और जम्मू विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग से आपसी इरादे को दर्ज कराया है। कमांडेंट HWUS मेजर जनरल राजीव कुमार सिंह ने पुष्टि की कि पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के उच्च स्तरीय अध्ययन और अनुशासन में तकनीकी उन्नति और सैन्य कर्मियों के विकास के लिए यह समझौता ज्ञापन एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह केंद्रीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर के छात्रों को विशेष रूप से पहाड़ी ऊंचाई वाले और बर्फीले क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन अध्ययन में अपने कौशल को बढ़ाने में मदद करेगा, जिसमें हॉस के पास उपलब्ध विशेषज्ञताएं होंगी। सोनमर्ग में आयोजित समारोह के दौरान कुलपति प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि HAWUS और जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम छात्रों को विशेष कौशल प्रदान करेगा, जो उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस बीच मेजर जनरल RK सिंह ने कहा कि हवास गुलमर्ग 1948 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है। स्कूल हर साल भारतीय सेना, अन्य सुरक्षा बलों और विदेशों के 1400 से अधिक कर्मियों को पहाड़ और सर्दियों के युद्ध में प्रशिक्षित करता है। हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल में सैनिकों के प्रशिक्षण को उप शून्य तापमान के साथ प्रतिकूल मौसम की स्थिति में दुनिया में सबसे कठिन माना जाता है। The Jammu University and High Altitude Warfare School for recognition of the courses conducted by us is a historic occasion for the High Altitude Warfare School, and we thank the Jammu University. The Vice Chancellor himself is here for giving recognition to the skills of our jawans, which they are gaining during the courses here. And it gives a formal recognition to their skills, and it will help them in many ways. It's a beginning of a journey between two organizations, and we have a lot to learn from each other and gain from each other. And I'm sure this journey will take us forward, and there will be many more areas in which we will collaborate, and both the organizations will gain from each other's skills and their knowledge base, which is available with them. For the University of Jammu, in collaboration with High Altitude Warfare School, and it's a matter of great pride for the University of Jammu that we have signed MOU with High Altitude Warfare School for training and providing the certificate, diploma, degree to our army personnels and officers. And at the same time, the students of the University of Jammu are going to be benefited by the experiential learning of our jawans and army officers. So this will provide a platform for our students to have the skills in rock rafting or snow rafting or the disaster management. And these life skills training would be employed by the students while developing the startups or to become the entrepreneurs. The White Devils के रूप में जाने जाने वाले High Altitude Welfare School में प्रशिक्षु न केवल चरम स्थितियों में युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, बल्कि बिना किसी जीवन समर्थन के ग्लेशियरों पर जीवित रहना भी सिखाते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में देश में कहीं भी हिमस्खलन और भूस्खलन के दौरान बचाव कार्यों के माध्यम से नागरिक अधिकारियों की सहायता करने के कार्यक्रम भी शामिल हैं। सैनिकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि भविष्य में वे हिमस्खलन और भूस्खलन के दौरान मदद के लिए दूर दराज के इलाकों में सबसे पहले पहुँच सकें। स्कूल कई भारतीयों और विदेशी नागरिकों के बीच को बचाने के लिए अपने बचाव कार्यों के लिए जाना जाता है, और इनमें कई पुरस्कार और वीरता पुरस्कार जीते भी हैं।